संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिपेक्ष में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे। और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद
कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.